नमस्कार, भारत उदय समाचार की इस विशेष रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं बिहार के दरभंगा जिला से इस बार खेती के ऊपर विशेष कवरेज दिखाने जा रहा हूं। और आपको बता दूं कि जो भी किसान आपको दिख रहे हैं, ये रोजी पे काम करते हैं। जो महिलाएं काम करती हैं वो 100 रुपये कट्ठा पे काम करती हैं। और ये आगे मैं आपको कवरेज में दिखाऊंगा, इंटरव्यू जानेंगे, किसान से इंटरव्यू लेंगे, उनका जानेंगे क्या है इस बार खेती का कवरेज। आपको बता दें, शेयर और सब्सक्राइब इस चैनल को जरूर करिएगा। देखते रहिए भारत उदय समाचार। धान के खेत से विशेष कवरेज आप देख रहे हैं। यहाँ पर जो महिलाएं काम करती हैं उनसे भी जानेंगे। आगे देखते हैं पूरा कवरेज, जरूर देखिएगा, शेयर जरूर करिएगा। आप लोग क्या लग रहा है, इस बार हो पाएगा कि नहीं? उम्मीद तो है, अब देखो हो रहा है कि नहीं हो रहा, लेकिन अपना जो विधि विचार है वो हम कर रहे हैं, अपना कर्तव्य कर रहे हैं। अपना कर्तव्य कर रहे हैं। बीज का बहुत समस्या चल रहा है, बीज हुआ नहीं है अभी। मतलब कहाँ से ला रहे हैं फिर ये लोग, बीज कहाँ से ला रहे हैं? बीज हायाघाट ब्लॉक से लाया है। अच्छा, ब्लॉक ने दिया है? हाँ, ब्लॉक। तो ब्लॉक मतलब पैसा में देता है या क्या? पैसा में देता है। पैसा में 300 रुपये किलो? नहीं नहीं नहीं, 220 रुपये किलो, 444 है। हाँ, और 250 रुपये में 30 किलो अथी सरना और सुवर्ना है। सुवर्ना नाई 220 रुपये किलो है। 300 रुपये किलो हाईब्रिज कितने हैं? 220 रुपये किलो हायाघाट ब्लॉक। अच्छा, और दूसरा? दूसरा हुआ 250 रुपये में, 8 रुपये किलो में सरना सुवर्ना, 8 रुपये किलो। तो अधिकतर अभी खेत में कौन सा मतलब रोपा जा रहा है? अभी रोपा जा 64-44 हाईब्रिड। 64-44, तो इसमें क्या धान अच्छा खेत मतलब चावल अच्छा होता है इसका? चावल होता नहीं है, तो उगता है, वो बिक जाता है। होता चावल अपने सबसे नहीं बनता ही, यहाँ भी वो बिक जाता है, बाहर चला जाता है। अच्छा, लेकिन धान उपजने के लिए ऐसे करते, जल्दी हो जाता है इसीलिए। अच्छा अच्छा, जल्दी उपज जाता है ना, इसीलिए जल्दी किया जाता है। अभी जो पानी हुआ है पर्याप्त है खेत के लिए या कम? पानी पर्याप्त है। पर्याप्त है पानी, इसमें हो जाएगा। और इसके अलावा अगर बारिश जोरदार होगा तो बारिश धान नहीं होगा? नहीं होगा। और इसके अलावा अगर जोरदार बारिश आए जो देख रहे हैं यही है तो डूब सकता है? तो डूब गया तो खराब हो जाएगा फिर? हाँ, डूब जाएगा तो खत्म हो जाएगा। कितने दिन में ये खराब हो जाता होगा डूबने के बाद? कितने दिन में? 15 दिन? 10 दिन? 10 दिन के बाद गल जाता है? 15 दिन के बाद गल जाएगा, 15 दिन के बाद पूरा गल जाएगा। नहीं तो पानी वो भी करता है धान, वो भी फिर जो पैसा है वो डूब जाएगा? हाँ, पैसा डूब जाएगा। सरकार की तरफ से कुछ मिलता है कि नहीं आप लोगों को समय समय पे? नहीं, हम लोग को नहीं मिलता। क्यों? जो मतलब रात कोष में है जैसे किसान के लिए है, मिलता है जो बड़े किसान है ना, ऊपर से ऊपर वो खा जाता है और दूसरे को चाप करवा देता है। हम भी छोटे किसान है, छोटे किसान को नहीं मिलता है। 1 बीघा वाला है, 1.25 बीघा वाला है, 10 कट्ठा वाला है, आप 2 कट्ठा वाला, आपको बुद्धि, आप लूट लाते हैं, हम लोग मुंह तक ले जाते हैं। आप लोगों को नहीं मिल पाता है? नहीं, सबको नहीं मिल पाता है। तो आप क्या कहना चाहते हैं सरकार से? क्या कहे, कोई अलाउंस नहीं हम लोग को मिला, और जिसको नहीं मिलना उसको मिल गया। अच्छा, अभी जो सबके खाते आया है 10,000, 12,000, 15,000 ऐसा जो, तो वो आप लोगों को मिला कि नहीं? नहीं मिला हम लोग का। आप लोगों को क्यों नहीं मिला? नहीं मिला, पता नहीं क्या कसूर है से नहीं मिला। ऑनलाइन कराए हुए थे, कहता ये कराइए तो मिलेगा, लेकिन हम लोग करा के आए। तो इसमें भी आपको लग रहा है कि पैसा कोई खा रहा है? अभी कौन खा रहा है सो हमको मालूम नहीं, कौन खा रहा है लेकिन नाम तो याद नहीं रहा, लेकिन हमको नहीं आ रहा है। आपके नाम से जो पैसा आया है आपको नहीं मिला, तो क्या लग रहा है कि इसमें कोई खा रहा है या ऐसा मतलब नहीं? वही ना होगा, नहीं देखे ना हम कौन खा रहा है नहीं खा रहा है, बुरा पता नहीं कि कौन खाया है, आया नहीं है मेरा। खेत की तरफ चले हैं, क्या लग रहा है धान हो पाएगा कि नहीं? धान तो वर्षा के अनुसार से जो है होने की उम्मीद है। तो अभी जो बरसात हुआ है काफ़ी है, कम है मतलब ज़्यादा है? ज़्यादा काफ़ी भी नहीं कहा जा सकता। अच्छा, आ कम भी नहीं कहा जा सकता। बिया हम लोग पिछात गिराए हैं। बिया कहाँ से लाए हैं? बिया खरीद के लाए हैं बाजार से। बाजार से खरीद के लाए? बाजार में मिलता है बिया? हाँ, बाजार में मिलता है। सरना बिया लाए थे 6 kg का 1 पैकेट। खुद नहीं हो पाया इस बार? खुद हमको अपना बिया नहीं हो पाया क्योंकि पानी नहीं था। अगले साल धान का खेती किए, 1 भी किलो धान नहीं हो पाया, डूब गया। हाँ, डूब गया, नहीं सुखाड़ में सूख गया। अच्छा, सुखाड़ में चला गया, पानी के कमी से? पानी की कमी से 1 भी किलो धान, 1 बीघा खेती किए थे अगले साल, 1 भी किलो धान। इस पर कितना प्रतिशत लग रहा है कि खेती हो पाएगा? खेती तो 75% खेती हो जाएगा, मतलब लग रहा है कि हो जाएगा अगर बारिश हुआ तो। गिराए हुए 10 दिन के बाद, बारिश का बहुत जरूरत है। और आपके एरिया में जो खत्ता है चाहे जो तालाब है वो सब पानी भरा है उसमें कि नहीं? भरा नहीं है, अभी अधूरा है, अधूरा उनसे कम है। क्या नाम हुआ? अरमासरे भारत मेरा नाम हुआ। क्या गांव कौन सा? श्रीपुर बहादुरपुर। यह भी जो मतलब खेत में जो काम कर रहे हैं उनको कितना देना पड़ता होगा? एक दिन का कितना लेते हैं वो लोग धान खेती करने का? एक कट्ठा रोप लेगा तो 100 रुपया मिलेगा। अच्छा, 100 रुपया मिलेगा? हाँ, 100 रुपया कट्ठा का रुपाई मिलेगा एक आदमी का। एक आदमी का
कोई तो, खास ज्यादा नहीं है। अच्छा अच्छा कम ना, कम भी ज्यादा कम भी नहीं है, लेकिन मजदूर जो है 100 रुपए में भी काम चला लेता है। तो मजदूर को देना ही पड़ता है। ये लोग खुद का खेती कर रहे हैं, मजदूर का है, मजदूर है? नहीं, खुद का खेती कर रहे हैं। खुद का कर रहे हैं? हाँ। तो ये लोग पैसा बचा रहे होंगे अपना? नहीं, ये तो मजदूर है। अच्छा मजदूर है? ये तो मजदूर कर, मजदूरी करेगा, खेती वाला थोड़ी करता है। अच्छा, खुद नहीं, ये मजदूर कर रहा है। तो मतलब पूरे खेती में धान रोपने में कितना खर्चा हो जाता होगा? लगभग एक कट्ठा के ऊपर कम से कम 500 रुपया। एक कट्ठा में पूरा 500 खर्चा हो जाता है? तो मतलब अगर पाँच छः, ये कितने कट्ठा का खेत होगा? 11 कट्ठा। अच्छा, तो मतलब 11 कट्ठा में 5500 रुपया लग जाएगा, और नहीं हुआ तो पूरा 5500 रुपया डूब गया, लगभग 6000 रुपया डूब जाता है। डूब के खेती करने में इतना हेहर नहीं होगा कोई, कंपनी भी नहीं। आप लोग जैसा? हाँ। जी, मतलब हो कि नहीं हो, करते हो कि नहीं करते रहना, करते रहना। आपका जीवन मतलब पूरा बीत गया खेती करने में। क्या लग रहा है कि अब खेती करने में फायदा है कि पहले खेती करने में फायदा था? पहले था, अब नहीं है। अब नहीं है जी ना। तो अब ज्यादा दाम मिल पाता है अच्छे से कि नहीं? नहीं, नहीं मिल पाता। क्या नाम हुआ? अब फसल नहीं होता। नाम अपना बताइए। क्या नाम हुआ? आविद हुसैन। दिलीप कुमार राउत। कौन सा जगह है ये? मलीपट्टी बहादुरपुर डिस्ट्रिक्ट दरभंगा। दरभंगा, ठीक है।